आदरणीय श्रोता संत समाज, ये ताली की बहुत बड़े महत्व है। कहीं ताली की ये महत्व है, कथा पुराण में हम सुना भी रहे का चीज की। कहीं कहा है कि काख में पाप रथे, पाप भरे रथे, कथे दोनों काख में पाप भर रथे तो ताली बजाए से झड़ते। ये तो हुई इस बात साइंटिस्ट, बाकी हकीकत में ये ताली बजाए के कारण का एक हिस्से हमारे बड़े बुजुर्ग मन जानते, आजकल के मन नहीं जाने। अभी 15-20 साल से ताली वाला मामला थोड़ा गड़बड़ा गया। हर आदमी कहते ताली बजाओ तो ताली बजाते, नहीं बजाओ तो नहीं बजाए। ताली के मतलब ये इसकी बड़े बड़े बीमारी शरीर से दूर हो जाती। दोनों हाथ के जोड़ना, दोनों हाथ के जो संपर्क होते हैं, संपर्क से जब ऐसे बसते ना ते में बीमारी बीपी शुगर ब्लड प्रेशर और यहां तक कि हार्ट अटैक सर्दी बुखार खांसी सब दूर होते हैं। कामे ये दोनों हाथ के मिलन से जब ताली बजते ना तो नस की हड्डी फूटते हैं। हाँ, एक और साइंस कार्य से हमार दाई महतारी मन आज भी जाना, आज कल बहू बेटी मन नहीं जाना। घर में हमार कच्ची मकान रहे, अंगना लाली पे कामे गोबर में, कामेली पे गोबर में, तो गोबर में हाथ के प्रयोग ज्यादा हो, ये घसावा है। हाँ, झाड़ू पकड़े हाथ से, आजकल तो पोछा वाला वैसे ही से हो तो नहीं बने हो, ये हाथ दबाव पड़ता है। गोबर लिपिए ना पहली, ये ताली के महत्व बताते हाथ में कितना बड़ा प्रेशर है शरीर में। अगर रोज के ऐसे ऐसे करे 10 मिनट तो ब्लड प्रेशर हार्ट अटैक बीपी शुगर कुछ नहीं हुई, हकीकत प्रमाणित। डॉक्टर लोग खुद करते इलाज कराते, घर में जाकर कैसे बजाते, कुकर भाई पूछते कैसे बजाती, कहते सारी बीमारी में भगा थे, कहते ते दुनिया बीमारी भगाता, दिन भर ते बीमारी भगाते बोलते। हाँ, और सही बात है, आजकल हमारे मोबाइल में रहे, मोबाइल देखो तो मोबाइल ये भी हाथ नहीं दबे, उंगली भरे से टच करता सारी चीज दिखता। हाथ के दबाव कम है ना, देखकर सीधी बड़े बड़े बीमारी हर जगह देखियो आप। कथा कहानी में कहते ताली बजाओ, वो बजाए कि कहे की जरूरत नहीं है, बैठे मतलब बजाना चालू करता, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ये हकीकत है। अब माता सरस्वती मन में विचार करी कि देवता मन बड़ा जिद करते हैं, बोला बड़ा पाप के भागी बनावते हैं देवता भी इनकी। माँ तोला जाय चल रही है अयोध्यापुरी में और सबके हित के लिए जाना है, अकेला हित के लिए नहीं जाना है, काबर वह माइंड लगाकर डिस्टर्ब करके आना है। तो माता सरस्वती बड़ा सोचे लगी कि वाह देवता हो, मैं तो तुम्हारा बड़ा ऊंचा स्थान में बैठते हैं, ऊंचा दिमाग कोई कहा रहे हो, बाकी सोच बड़ा ऊंचा नहीं है। बार बार गई चरण संकोची, चली बिचारी मुत मत पूछी, ऊंच निवाच नीचे कर तू थी, देखी न सकई पाय विभूति। आदरणीय श्रोता संत समाज, यह चौपाई में साफ संदेश देवत है कि माता सरस्वती कह लगी कि देवता तुम ऊंचा स्थान में जरूर बैठो, बाकी तुम्हारा कर्म ना बहुत नीचा है, का करो खुशी तुम्हारा देखे नहीं जाते। राजा दशरथ इतना खुश है कि मोर बेटा ला राजा बनाना है, कि बाकी देवता मन तुम्हें इतना नीच काम करवाए जाते, कथो कि नहीं उन्हें राजा नहीं बनना चाहिए, जंगल जाना चाहिए। माता सरस्वती की इसकी देवता मन के स्थान तो बड़ा ऊंचा होते, बाकी आज देखो सोच कितना छोटा है। अब बोला पाप की भागी बनावा था कि जाओ दिमाग डिस्टर्ब करके। माता सरस्वती मन में सोची, हे भगवान हे विधाता, आज देवता मन के कहेला माने लगी, नहीं मानू तब नहीं बने के लगी। आगिल काज विचारी बहोरी, करही चाह कुशल मति मोरी, हरसि हृदय दशरथ पुरी आई, जनुग्रह दशा दुसही दुख दई। माता सरस्वती है देवता मन के आदेश पा करके अयोध्यापुरी में पहुंची। अयोध्यापुरी काला कह दाई, अयोध्यापुरी के नाम काबर पड़ी जानते, राजा दशरथ के नाम से अयोध्यापुरी के नाम बड़ा उजागर हुई। ओकर वंशज रहीस ना, ओकर वंशज ही 39वीं पीढ़ी में राम के जन्म हो गई। अज रही से भागीरथी रही से वही वंशज के राजा दशरथ, राजा दशरथ में इसकी आज की काज विचारी बहोरी, करही चाह कुशल कवि मोरी। आज
इकर वंशज में अजरी सी। और हस हृदय दशरथ पुरी जाई, दशरथ के नाम से ही अवध्या में इतना बड़े कि इस अवधपुरी की निवास मिलती। तो माता सरस्वती कहाँ है भाई? दशरथ के पुर में आए, दशरथ के पुर मतलब अवध्यापुरी में पहुंचा थी माता सरस्वती। माता सरस्वती जैसे पहुंची ना, जनुग्रह दशा दुहई दुखदाई, माता सरस्वती खड़ा होकर के मन में विचार करने लगी कि दशरथ की पुरी में कौन ऐसे व्यक्ति है जिमे में प्रवेश कर सको। खबर दशरथ योग साधना तप ज्ञान वैराग्य सारी चीज कुछ के भर दी। खबर भगवान अवतार ले है ना, भगवान नारायण अवतार ले। जब भगवान के अवतार हुई वहां काकरो बुद्धि ल फेर नहीं सके के काकरो बुद्धि ल फेर नहीं सके चाहे माता सरस्वती क्यों ना। खबर जहाँ भगवान अवतार ले वहां काकरो मती ल फेर नहीं कर सके। माता सरस्वती मन में बड़ा विचार करे लगी इसकी कौन है ऐसे जेकर में बुद्धि में जाके बैठ जाओ। खबर जहां अच्छा ज्ञान की धारा बहते ना दाई वहां कोई गलत कार्य नहीं हो कहते। हाँ तब का करीस, नाम मंत्रा मंदमती, नाम मंत्रा मंदमती चेरी कई कई केरी अजस पिकारी ताही करी गई गिरा मति फेरी। हकीकत में दाई चार जन अगर घर में सज्जन है ना, बेटा बहु बनत है, सास बहु बनत है, घर परिवार में बनत है, बाकी घर में का जन मंत्र हो जाए नहीं तो जत का सुख हित में आगे लगे या घर में। हाँ आवे नहीं दाई होते नहीं। हाँ एक बार के बात है, बहु बेटा की शादी करी, सुनो दाई हो अपन बड़े बेटा की शादी करी, बहु इस घर में सास बहु मतका जमे अतका जमे अतका जमे मत पूछ। हाँ सास पानी ला जाती ना, माँ मैं ला दू का सब्जी काटने लगे ना, माँ मैं सब्जी काटो भारी मया सास बहु मब्बड़ मया। हाँ जब तक बहु ना सास के पैर नहीं दबाती तब तक सुनता ही नहीं भारी मया। हाँ ये मयाल कौन नहीं देख सकी, इस पड़ोसी की दी जल गए। एक जन पड़ोसी था काबर पर सास बहु में एकदम खटास चलत रहे टक्कर, अविकार घर बैठे लावा है बने बनत देकर घर। हाँ काबर ओकर मन हनी रही ना, तब कहा करी वो बहु भीतरी में स्नात एक दिन बैठे ला आगे मांगे वो ना पड़ोसी ना जेकर बहु बेटा नहीं पटत रहे तेकर बहु साथ नहीं पटत रहते अविकार घर बढ़िया पटत बहु सास के तब वो आगे मांगी ला पहले आगे मांगे जानते कौन कौन जानते हाथ उठा करो तो आगे मांगते थे पहले अभी गैस सिलेंडर के जमाना पहले आगे मांगे जाए तब दूसरे घर के चूल्हा जले कौन कौन जानते होता हो ऐसे कह रहा ना कौन कौन जानते आगे मांगे तेल नहीं जानो नहीं जानो तुम। हाँ हम जानते हमन पुराना आदमी है पहले आगे मांगे जाए ए वो फलानी कैसे आगे सुलगा देते दाई आगे देना इसी की आओ तो आगे मांगे के बहाना मई ओकर बाद में वो आगी मांगत मांगत काहे कहा थे तुहर घर के बहु कहा है वो कथा ता भीतरी में वो काहे सब्जी काटा थे बिचार का कर भी वो हमर के की बहु नहीं शुरू शुरू में इसने ही दई अच्छरी से मोर बात माने अब बात नहीं माने ये बहु मन के चाल ला नहीं समझते हैं अब बड़ भारी रहते ऐसे कर पूरा कागी लगा दी सो अब बोला भीतरी बहु सुना थे अब वो तागी मांग के रेंग दी तब वो बहु निकल से कहा कि इस माँ नहीं कुछ नहीं किस वो इसने गुठिया ला रही से पड़ोसी नागी मांगे ला रही मैं सब ला सुने हो मैं नहीं जाना कथा इसका उकर घर के बहु नीचे सास के साथ नहीं पटक तेला तो हमारे घर में आग लगा लाए नहीं आए वो आग लगाए मैं सब ला सुन रहे थे अब दोनों घर में झगड़ा मार गई करो घर में
सास बहू में माते इसने मत करे कर तेवकर लहू पारू देते रहे। अब वो आगे कम जलावत वो झाक झाक के देवत झाक झाक के देवत पड़ोसी में झगड़ा चालू हुई दिन चली हुई इसकी। अब ये सास बहू को मात के गया बगल के चक्कर में वाहरे की सब लड़ाई चालू हो गई करो घर। अब एक घर में फूट ही की घर घर में मंत्र अगर एक जन पैदा हो गए ना दाई तो घर के बड़ा सत्यानाश है। तब माता सरस्वती अयोध्यापुरी में कोनो क्षण मिली अयोध्यापुरी से चांटी चिरगुन से लेकर चिरई तक इतना ज्ञानी इतना तप इतना तपस्वी इतना भक्ति मेरी से कि माता सरस्वती के बस के बात नहीं रही से कि मैं दे में जाके मां जाऊंगी। तो एक जन कौन मिली मंथरा ये मंथरा कौन जानते हो माता कई कई के दासी जलटी कावन में मिले हाँ ओकरे बुद्धि में अभी प्रवेश करेला जावत आओ सुंदर भाव के साथ में भजन के आनंद फिर कथा।